वार्ड क्रमांक 26 स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पर प्रतिमा को 1 फीट से लेकर 12 फीट तक की बहनों ने बांधी राखी। मंदसौर वार्ड क्रमांक 26 स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पर आज रक्षाबंधन के दिन शिव भक्तों में काफी उत्साह नजर आया है और आज 1 फीट से लेकर 12 फीट तक की राखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा को बहनों द्वारा बांधी जा रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए निर्मला गुप्ता ने बताया कि मैं 13 वर्षों से भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा को हर साल रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती हूं और देश में सुख शांति और खुशहाली की कामना करती हूं। और अल्पना जैन ने बताया कि मेरे द्वारा 12 फीट का पशुपतिनाथ की प्रतिमा को रक्षा सूत्र बांधा गया है और हर साल इस परंपरा को निभा रही हूं और आगे भी निभाऊंगी। और गुजरात की एक बहन ने आकर मंदसौर में पशुपतिनाथ की प्रतिमा को भी रक्षा सूत्र बांधा है। हर साल कई बहनों द्वारा लगभग 1 महीने की मेहनत से राखी का निर्माण किया जाता है और उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधा गया। आज रक्षाबंधन के दिन पशुपतिनाथ की प्रतिमा को राखी बांधी जाती है। यह रक्षाबंधन का दिन भाई और बहन का होता है और कई बहनें भगवान की प्रतिमा को भी राखी बांधती हैं। और सुबह से ही पशुपतिनाथ मंदिर पर दूर दूर से पहुंच रही बहनों द्वारा राखी बांधने का कार्य किया जा रहा है। ये 13वां वर्ष है, 13 साल से बांध रही हूँ। मेरे को 15-20 दिन लगते पर इस बार मैं 3 दिन में बनाई है। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं बना नहीं पाई, तो 3 दिन में मैंने बना लिया। श्रावण मास के अंतिम दिन पूर्णाहुति के समय पूर्णिमा और रक्षाबंधन का महापर्व, भाई बहनों के इस विशेष पर्व पर आज भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांधी गई है। आज भाई माता बहनों में काफ़ी असमंजस वाली स्थिति भद्रा को लेकर रही है क्योंकि राखी बांधने का मुहूर्त रात को 9 बजे बाद ही है, लेकिन महादेव के आगे ये सारी चीज़ें कम पड़ जाती है क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जब महादेव की बात आती है तो ये भद्रा और जैसी अशुभ स्थिति सब दूर हो जाती है। इसी को लेकर हर साल इसी समय राजभोग के समय कुछ बहनों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांध दी जाती थी। उसी समय अनुसार इस वर्ष भी रक्षाबंधन के पर्व पर भगवान पशुपतिनाथ को राखी की विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान को राखी बांधी गई और कई दिनों से मेहनत की गई सुंदर और अच्छी घर पे अपने हाथों से बनाई गई राखी भगवान पशुपतिनाथ को भेंट की। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सभी के द्वारा 12 फीट लंबी रक्षा सूत्र बनाया गया है और भगवान को अर्पित किया गया है। मैं अर्पणा जैन, पापीवाल परिवार, मंदसौर। जी, मेरी मम्मी 12 से 13 साल हो गए हैं बनाते बनाते और बांधते। ये राखी अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मम्मी ने ये वाली राखी 3 ही दिन में बनाई है। ये राजेंद्र जी गुप्ता एडवोकेट और मेरे भैया।